मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 14 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर दो क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बार बार आपको ये बताता हूँ डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे टोटल क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के ही क्वेश्चन है, और जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, टोटल न्यूमेरिकल अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल टाइप का, प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको टॉप 100 रैंक के अंदर लेकर आते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने आपको कल ही बताया था, एक हमारा स्टूडेंट था नीतीश कुमार, जो केवल और केवल हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी किया था, जिसका जनरल रैंक था केवल और केवल 9 और ओबीसी रैंक था केवल 7, उनका जो है सिलेक्शन हुआ है, यानी उन्होंने आईईआरटी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से एडमिशन ले रखा। उन्होंने बताया डियर स्टूडेंट कि आईईआरटी कॉलेज में अभी तक का जो हाईएस्ट सिलेक्शन है, हाईएस्ट पैकेज पर सिलेक्शन है, वो आपका 2.5 लाख से 5 लाख। तो 2.5 लाख से 5 लाख का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2.5 to 5 लाख का मतलब क्या होता है, जिस स्टूडेंट का 2.5 लाख पर सिलेक्शन हुआ होगा उसका मंथली जो इनकम होगा वो आपका मान सकते हो 20,000, यानी स्टार्टिंग उसकी सैलरी ही 20,000 से होगी, और जिसका आपका 5 लाख होगा इसका मान के चलो आपका 40 से 42,000, यानी कि 42,000 मंथली ये कमाएगा। तो आप सोच सकते हो कि हाई स्कूल किया हुआ स्टूडेंट यदि 3 साल का आईईआरटी कॉलेज से डिप्लोमा कर लेता है तो उसका जो बेसिक सैलरी है, यदि आप लोअर स्टूडेंट रहते हैं, एकदम नॉर्मल स्टूडेंट भी रहते हैं, तो भी आपका 2.5 से 3 लाख तक आपका प्लेसमेंट होना ही होना है। यदि 3 लाख का प्लेसमेंट आपका हो जाता है तो ये मान के चलिए 25,000 पर मंथली। अब देखो, हाई स्कूल से पढ़ के निकला बंदा 3 साल का कोर्स कर लिया, अब 25,000 मंथली कमा रहा है, बताओ क्या चल रहा है। और वहीं पर यदि आप अच्छी तरीके से 3 साल दे दिए तो आपका 4 से 5 लाख चला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 35 से 40-42 हजार रुपए पर मंथ है। अब सिंपल सी बात सोचो कि हाई स्कूल के बाद 3 साल कोर्स करने के बाद आप 25 से 42 हजार रुपए तक महीने कमा रहे हैं, ऐसा तो जो बीटेक वाले होते हैं प्राइवेट कॉलेजों से उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, उनका भी डियर स्टूडेंट मैक्सिमम 2.5-3 लाख होता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए, जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, आपको सोचना ही ना पड़े कि हमको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ऐसा आपको सोचना ही ना पड़े कि हमको कौन सा ब्रांच मिल सकता है। वैसे तो आईईआरटी कॉलेज में डियर स्टूडेंट सभी ब्रांचों का 100% सिलेक्शन होता है, सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता ही होता है, उसमें 2-4 स्टूडेंट होते हैं या कह सकते हैं 2-3% वही स्टूडेंट बनते हैं जिनको आगे की तैयारी करना होता है या जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना होता है, तो 100% प्लेसमेंट हो जाता है आईईआरटी कॉलेज में। वहीं पर हम बात करें पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो डियर स्टूडेंट यदि आप अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि वहां पर भी आप सैलरी गेन कर सकते हैं 15 से 20 हजार के अराउंड, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप दोनों ही फॉर्म डालिएगा पॉलिटेक्निक और आईईआरटी का, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन दोनों ही जगह हो जाएगा, आईईआरटी कॉलेज में भी और पॉलिटेक्निक में। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा रखा है
कि जिनका आईईआरपी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्शन हो गया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। मैक्सिमम आपको 2-3 से 4 महीने अपने आप को देना है। इन 3 से 4 महीने में आप अच्छी तरीके से यदि तैयारी कर देते हो तो आने वाला फ्यूचर आपका बेटर होने वाला है। तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है डियर स्टूडेंट कि 25 किग्रा का बम का गोला जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है अचानक फटकर 2 टुकड़ों में बट जाता है, जिनके द्रव्यमान 15 केजी तथा 10 किग्रा है। यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग क्या है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन के कांसेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि 25 किग्रा का एक बम का गोला है, ठीक है, जो कि गतिमान है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अचानक होता क्या है, वो गोला फट जाता है तो 15 केजी और एक 10 केजी दो भागों में टूट जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है यदि बड़े भाग का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो आपका टूटने से पहले का समय होता है वही आपका टूटने के बाद भी समय होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि गोला फट जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे गोला के फटने का जो समय होगा वह बराबर होगा गोला के फटने के बाद के समय। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट गोला का फटने के पहले जो समय होगा वह बराबर होगा गोला के फटने के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कर देते हैं। यानी कि आपका क्या होगा, m into का v बराबर आपका हो जाएगा m1 v1 plus का m2 v2। अब आप सोच रहे होंगे कि mv या m1 v1 m2 v2 क्या है। तो जो आपका m है dear student यह गोले का फटने से पहले का द्रव्यमान, जो आपका m है dear student यह गोले का फटने से पहले द्रव्यमान, और जो आपका v है गोला का फटने से पहले का वेग है। अब गोला क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, तो पहले भाग का द्रव्यमान मैंने मान लिया m1 है और पहले भाग का या कह सकते हो पहले टुकड़े का जो वेग है वो आपका v1 है, वहीं पर दूसरे टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो आपका m2 है और दूसरे टुकड़े का जो वेग है वो आपका v2 है। समझ में आ गया। अब देखो गोले का फटने से पहले का द्रव्यमान कितना था, 25 केजी, और वेग कितना था 10, तो 10 मैंने रख दिया। अब देखिएगा m1 को मैं मान लेता हूं कि बड़े टुकड़े का द्रव्यमान है, m1 को मैं मान लेता हूं बड़े टुकड़े का द्रव्यमान है, तो बड़े टुकड़े का द्रव्यमान आपका 15 है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि जो बड़े टुकड़े का वेग जो है 0 है, तो बड़े टुकड़े का वेग 0 है यानी v1 की वैल्यू 0 है प्लस का m2 की वैल्यू 10 है और v2 की वैल्यू आपको ज्ञात कर लेना है। तो 25 गुणे 10 कितना होगा, 250 बराबर 10 v2। अब भाई 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो तो v2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि छोटे टुकड़े का जो वेग होगा वो आपका 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है यदि आपको बेसिक कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है 150 किग्रा का एक तोप से 1.5 किग्रा का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलता है, तो गोला के पीछे हटने का वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि तोप के पीछे हटने का वेग क्या है, ये आपको बताना है।
तो ऐसे कंडीशन में संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो आपका अंतिम संवेग होगा, जो आपका अंतिम संवेग होगा वो आपका जीरो होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट कि m1 v1 + m2 v2 की जो वैल्यू होगी वो आपका जीरो के बराबर होगी, क्योंकि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो अंतिम संवेग होगा वो आपका जीरो होगा। यानी m1 v1 + m2 v2 बराबर आपका जीरो हो जाएगा। जो m1 है डियर स्टूडेंट वो आपका तोक का द्रव्यमान है, जो v1 है वो आपका तोक का वेग है, और जो आपका m2 है वो आपका गोला का द्रव्यमान है, और जो आपका v2 है ना वो आपका गोला का वेग है। अब सारी वैल्यू रख दीजिए तो तोप का द्रव्यमान कितना है 150 की तरह गुणे तोप का वेग कितना है, तो तोप का वेग आपको ज्ञात करना है। तो लो जी भैया मैंने v1 रख दिया। अब गोले का जो द्रव्यमान दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपका 1.5 किलो है, और गोले का जो वेग है वो आपका डियर स्टूडेंट 60 मीटर प्रति सेकंड है, बराबर में जीरो। अब देखो आपको मिल जाएगा 150 v1 1.5 का 60 में गुणा करो तो कितना होगा, 15 × 6 = 90 होता है ना, वो होता है कि नहीं, 15 × 6 = 90 होता है, और एक जीरो है तो एक जीरो उतार दो, एक अंक में दशमलव लगा दो, बराबर आपका जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं 150 v1 बराबर माइनस का 90 मिल जाएगा। 30 से काट दो तो 30 × 25 = 150 और 30 × 90 तो v1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/5 माइनस का, और 5 से काटोगे तो 5 × 30 यानी कि 0.6 आएगा। यानी कि जो v1 की वैल्यू होगी माइनस का 0.6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो तोप के पीछे हटने का वेग होगा वो आपका 0.6 मीटर प्रति सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे माइनस में क्यों आया, क्योंकि गोला आपका आगे की तरफ जा रहा है और तोप जो है पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि गोले के विपरीत दिशा में आपके तोप का वेग है। यानी कि गोला उस डायरेक्शन में जा रहा है तो तोप आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि गोले के वेग के विपरीत दिशा में तोप का वेग है, इसलिए यहां पर माइनस लेकर आया है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि भी कोण को दर्शाना नहीं है, बस समझना ये है कि तोप का जो वेग है वो गोले के वेग के विपरीत। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 को भी, प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल और आसान मैं करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को बोला है सूत्र स्मॉल जी बराबर जीएम अपॉन आर स्क्वायर का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल जी बराबर जीएम अपॉन आर स्क्वायर का उपयोग हम कहां करते हैं, किसी भी पिंड का भार ज्ञात करने में। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर का उपयोग किसी भी पिंड का भार ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है डियर स्टूडेंट, पृथ्वी पर 1 केजी और 2 केजी के पिंडों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात, पृथ्वी पर 1 केजी व 2 केजी पिंडों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात होता है। तो जिस अनुपात में आपका द्रव्यमान होता है ना डियर स्टूडेंट उसी अनुपात में आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि यदि आपका द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 के रेशियो में है तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी अनुपात आपका 1:2 में है। कारण इसका ये है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 / r² भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है डायरेक्ट अंतर्मानुपाती है पिंडों के द्रव्यमानों के योग, ठीक है।
गुरुत्वाकर्षण पर जो आपका डायरेक्ट अनुप्रतिमानुपाती है पिंडों के द्रव्यमानों पर, तो इस तरीके से जिस रेशियो में आपका पिंड का द्रव्यमान होगा उसी रेशियो में आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 5 केजी का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, पिंड का कितना परिणामी बल कार्य कर रहा है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि 5 किग्रा का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है। तो कभी भी किसी भी पिंड का यदि आपका वेग नियत होता है, कभी भी किसी भी पिंड का यदि आपका वेग नियत होता है तो वहां पर जो त्वरण की वैल्यू होती है वो आपका जीरो के बराबर होती है। तो अब यदि किसी भी पिंड का वेग नियत होता है तो त्वरण की वैल्यू आपको जीरो के बराबर होती है। यहाँ पर आपका बल की वैल्यू याद करना है, तो यह बराबर आपका होता है m इन टू, तो m की वैल्यू आपका 5 है, a की वैल्यू 0, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 को भी, जो कि बहुत ही बेहतरीन और मैक्सिमम बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम ले लो या आईपीआरटी इंट्रेंस एग्जाम। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, बोला है एक भिखारी 5 किग्रा की बंदूक से 10 ग्राम की गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ता है, बंदूक में कितना प्रतिदीप्ति वेग उत्पन्न होगा यदि शिकारी वर्प पर खड़ा है, बंदूक सहित वर्प पर खड़ा है तब वह कितना वेग प्राप्त करेगा ये आपको बताना है। जबकि भिखारी का जो द्रव्यमान दे रखा है, भार दे रखा है, वो आपका 75 किलो है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि एक भिखारी जो है 5 किग्रा की बंदूक से 10 ग्राम की गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ता है, बंदूक के कितना प्रतिदीप्ति वेग उत्पन्न होगा यदि शिकारी वर्प पर खड़ा है बंदूक से, ठीक है, तब वह कितना वेग प्राप्त करेगा जबकि भिखारी का आपको द्रव्यमान दे रखा है 75 किलो। तो आपने पढ़ रखा है कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य ना करे तो ऐसे कंडीशन में जो आपका संवेग होता है ना वो नियत होता है। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने क्या बोला कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य ना करे, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल ना कर करे तो ऐसे कंडीशन में जो संवेग का मान होता है वो आपका नियत होता है, संवेग का जो मान होता है वो आपका नियत होता है। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, ऐसे कंडीशन में जो आपका गोली का संवेग होगा और बंदूक का संवेग होगा वो आपका बराबर जीरो के बराबर होगा। क्या होगा, गोली का संवेग प्लस का बंदूक का संवेग, गोली का संवेग प्लस का बंदूक का संवेग बराबर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो आपका संवेग का मान होगा वो आपका नियत होगा, ठीक बात है कि नहीं। अब देखो गोली का संवेग क्या होगा, तो गोली का जो संवेग होगा वो बराबर होगा गोली के द्रव्यमान गुणे गोली के वेग। गोली का जो संवेग बराबर होगा डियर स्टूडेंट वो आपका बराबर होगा गोली के द्रव्यमान गुणे गोली के वेग। तो गोली का द्रव्यमान कितना दे रखा है, गोली का द्रव्यमान आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 10 ग्राम, गोली का द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 ग्राम।
तो इस 10 ग्राम हमको किग्रा में चेंज करना है। तो 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किग्रा में आपका होता है 1000 ग्राम। 1 किग्रा में आपका होता है 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में 1/1000 किग्रा होगा। तो यदि हमको 10 ग्राम को किग्रा में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? तो 10 ग्राम को किग्रा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से आप भाग दे दो तो 0 से 0 आपका कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0.01 किग्रा। यानी कि 10 ग्राम की जो वैल्यू है वो आपका किग्रा में 0.01 किग्रा के बराबर है। यानी कि गोली का जो द्रव्यमान है वो आपका 0.01 हो गया। गोले गोली का वेग आपको कितना दे रखा है? गोली का वेग आपको दे रखा है 400 मीटर प्रति सेकंड। प्लस बंदूक का संवेग क्या होगा? बंदूक का संवेग बराबर आपका होगा, डियर स्टूडेंट, बंदूक का द्रव्यमान गुणे का बंदूक का वेग। तो बंदूक का द्रव्यमान आपको दे रखा है 5 किलो और बंदूक का वेग आपको ज्ञात करना है बराबर से 0। ठीक है, तो यहाँ पर 400 का गुणा आप 0.01 में करोगे तो मिलेगा आपको 4, प्लस का 5 भी बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 भी बराबर -4, 40 यानी 0.8 मिल जाएगा। यानी भी की वैल्यू होगी 0. भी की वैल्यू जो होगी वो आपका क्या होगा? माइनस का 0.8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी की वैल्यू है वो आपका माइनस का 8 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि बंदूक का जो वेग है वो आपका ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक वैल्यू ये दिखा रहा है कि गोली के वेग के विपरीत दिशा में आपकी बंदूक का वेग है। सिंपल सी बात, ऋणात्मक चिन्ह यही दर्शा रहा है डियर स्टूडेंट कि गोली के वेग के विपरीत दिशा में बंदूक का वेग है। ठीक है, गोली के वेग के विपरीत दिशा में बंदूक का वेग है। शिकारी जो है बर्फ के टुकड़े पर खड़ा होगा तो गोली के विपरीत दिशा में वह भी वेग से पीछे हटने का प्रयत्न करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका गोली का संवेग होगा, जो आपका गोली का संवेग होगा प्लस का बंदूक सहित शिकारी का संवेग, बंदूक सहित शिकारी का संवेग, बंदूक सहित शिकारी का जो संवेग होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका 0 के बराबर होगा। अब देखो गोली का संवेग क्या होगा? गोली का संवेग होगा आपका गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग। तो गोली का द्रव्यमान आपने कितना निकाला है? 0.01 के लिए, तो 0.01 के लिए अब गोली का वेग आपका है 400 मीटर प्रति सेकंड प्लस बंदूक सहित शिकारी का संवेग। तो बंदूक सहित शिकारी के संवेग में जो आपका द्रव्यमान आएगा बंदूक के साथ साथ शिकारी का भी आएगा। बंदूक सहित शिकारी का संवेग में क्या जो द्रव्यमान की वैल्यू आएगी बंदूक के साथ साथ शिकारी की भी आएगी। तो बंदूक के तो 5 किलो है और शिकारी के 75 किलो है और इसका वेग आपको क्या करना है? इसका ही वेग आपको ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका शिकारी जो है बर्फ के ऊपर खड़ा है बंदूक सहित तो भी वेग से पीछे हट रहा है। तो वो मैंने भी यहाँ पर नोट कर दिया कि शिकारी जो है बंदूक सहित भी वेग से पीछे की तरफ हट रहा है। अब भी की वैल्यू निकाल तो वही आंसर होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, 75, 5, 80 भी बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 80 भी बराबर -4, 4 से काटो तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाइनली आपको भी बराबर मिल जाएगा डियर स्टूडेंट -1/20, -1/20 यानी भी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगा? -0.05 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि बंदूक सहित जो है शिकारी जो है वो माइनस का 0.05 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा?
इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बंदूक से शिकारी जो है 0.05 मीटर पर सेकंड से बैक से पीछे हटेगा और जो बंदूक का वेग होगा वो आपका 0.8 मीटर पर सेकंड होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से सारे क्वेश्चन के कांसेप्ट को समझो। क्वेश्चन नंबर 21 आपका भी बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है सूत्र f बराबर gm1 m2 / d स्क्वायर में नियतांक g को हम क्या करते हैं। तो पहली ही क्लास में मैंने आपको चिल्ला-चिल्लाकर बताया था कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल f बराबर g m1 m2 upon r square या गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G me upon r square से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको कैपिटल G के बारे में क्या बताया था, जो आपका G होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। जो आपका कैपिटल G होता है डियर स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो इसमें पूछा गया है कि g को कहते हैं, तो g को आप क्या कहते हो, g को आप कहते हो डियर स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर / किग्रा स्क्वायर। नोट कर लेना अच्छी तरीके से, न्यूमेरिकल के भी काम आएगा, या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ सकता है या डायरेक्ट इसका मात्रक पूछ सकता है या डायरेक्ट ये पूछ सकता है जी को हम क्या करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को भी, जो कि ये भी आपका सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का है डियर स्टूडेंट, एक वस्तु का संवेग जो है 10 किग्रा मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप ये बताओ 10 किग्रा मीटर प्रति सेकंड है क्या, तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड जो होता है डियर स्टूडेंट वो किसका मात्रक होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड जो आपका होता है संवेग का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि संवेग 10 किग्रा मीटर प्रति सेकंड के उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता क्या होगी, ए आपको बताना है, यानी कि जो आपका प्रारंभिक संवेग mu की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं वस्तु को, यानी कि जो अंतिम संवेग होगा, यानी कि जो अंतिम संवेग होगा वो आपका 0 होगा। अंतिम संवेग 0 इसलिए होगा क्योंकि जो अंतिम वेग है वो 0 है, तो अंतिम संवेग का भी आपका 0 ही होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, क्योंकि हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो अंतिम वेग 0 है तो अंतिम संवेग भी 0 होगा। तो यहां पर आपका क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन बटे का समय अंतराल, बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन बटे का समय अंतराल, यानी कि आपका हो जाएगा mv माइनस का mu बटे का समय अंतराल को ठीक कर दो। तो यहां पर f बराबर mv की वैल्यू कितना है 0 यानी अंतिम समय 0 है माइनस का mu यानी प्रारंभिक समय 10 है और t की वैल्यू कितना दे रखा है, t की वैल्यू आपको दे रखा है 2 सेकंड, तो 2 से काटो तो माइनस का 5 न्यूटन, जिसको हम माइनस 10 आते नहीं है, यानी कि जो बल का मान होगा वो आपका 5 न्यूटन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से देखिएगा, बोला है एक बल 0.5 किग्रा की वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्य करता है, इसके बाद बल को हटा दिया जाता है और वस्तु एक समान चाल से गति करके 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो बल का परिमाण क्या है ये आपको क्या करती है, 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो बल का परिमाण
क्या होगा ये आपको बताना है। तो बल का परिमाण कब आप ज्ञात कर सकते हो, जब आपका त्वरण की वैल्यू पता हो। त्वरण की वैल्यू तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको वेग की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम वेग निकाल लेते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय। तो 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, यानी दूरी आपका 2 मीटर और समय आपका 10 सेकंड। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो वेग होगा वो आपका 0.2 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब गति के पहले नियम से v बराबर क्या होता है, u प्लस का at, v प्लस का आपका ut। तो यहां पर अंतिम वेग क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है, और एक समान चाल से गति करके 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो बल का परिमाण 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि लास्ट में कहीं ना कहीं वस्तु रुक जाती है, इसलिए अंतिम वेग आपका 0 होगा। u की वैल्यू आपका है 0.2 प्लस का at की वैल्यू आपका है 10। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 a बराबर 0.2, तो a की माइनस का 0.2, तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण की वैल्यू निकल गई। अब आप बल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यह बराबर क्या होता है, m इनटू का a। f बराबर क्या होता है, m इनटू का a। तो m की वैल्यू कितना दे रखा है, m की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5, और a की वैल्यू आपको दे रखा है 0.02, ठीक है। तो 5 गुना कितना होता है 10, ठीक है ना। हो और कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 2 यहां और 1 यहां, 3, यानी 3 अंक पे दशमलव लगाना है, यानी कि आपको मिल जाएगा 0.010 न्यूटन। इस तरीके से जो बल का मान होगा वो आपका 0.10 न्यूटन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 को बोला है 1 किग्रा भार का मान होता है। तो 1 किग्रा भार का मान क्या होता है, 1 किग्रा भार का जो मान होता है डियर स्टूडेंट वो आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, 75 किग्रा द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है, जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान चाल से ऊपर की ओर गति करती है, तो लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल क्या है, ये आपको बताना है। लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप एक चीज को क्लियर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका गुरुत्वीकरण जी भी काम कर रहा है और यहाँ पर त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जी भी काम कर रहा है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण भी ऊपर की ओर गति करने के दौरान काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका त्वरण होगा उसमें आपका गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो आपका बल बराबर क्या होता है, m into का g होता है, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का भी त्वरण काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो आपका m g प्लस का a के रूप में। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट वो आपका है 75 किलो, g की वैल्यू आप ले लो 10 और त्वरण a की वैल्यू दे रखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 75 गुणे कितना हो जाएगा 12 बचे 7, अब 12 से 84 और 6 कितना होगा 90, यानी कि 900 न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके से लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित जो बल होगा वो आपका 900 न्यूटन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 4 गद के नियम के क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे प्रश्नों का सार। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।